घबराना मत, गारंटी लेता हूँ तुम 6 महीने अपने ऊपर काम करके देख लो, अगर तुम्हारी जिंदगी ना बदले। लेकिन उतना खैर लोगों के पास नहीं है ना, कुछ लोग 5 दिन करते 10 दिन करते करते और 10 दिन किए कुछ चेंज ही नहीं दिखाई पड़ा। 20 साल से ताश खेल रहे हो, 10 दिन में ताश छूट जाएगी। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो भाई, तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे, बच्चों जैसे सवाल करो भगा देंगे क्लास, पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। दो लोगों के जीवन में कोई लड़ाई नहीं है, एक चपरासी के जीवन में। चपरासी, कुछ लोग मुझसे कहते हैं मुझे चैलेंजेस नहीं चाहिए लाइफ में, बहुत अच्छा चपरासी बन जाओ। चपरासी का काम क्या है? साहब के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है, जो भी मिलने आया मीटिंग करा दी, वरना बैठे हुए क्या फर्क पड़ता है। और वो भी चपरासी अगर ब्यूरोक्रेसी का है, ज्यूडिशरी का है। भाई राजा से मिलने के लिए जो सबसे अहम आदमी होता है वो यही लोग होते हैं, यही इन्फॉर्मेशन देते हैं, साहब कितने बजे आते हैं, साहब कितने बजे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, गोल्फ खेलने कहाँ जाते हैं। और या फिर जो लोग हरिद्वार चले गए, जिन्होंने कहा भैया हमें नहीं बनना आईएएस, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमें कुछ बनना ही नहीं। आज आप गेरुआ पहन लो, आज आपके जीवन की सारी चुनौती खत्म, क्योंकि आपने मान लिया कि आप इस जीवन की लड़ाई में शामिल नहीं हो। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं एस्पिरेंट्स, एक जो पढ़ते ही नहीं, उनका पेपर हमेशा अच्छा होता है। When will you meet them? They will say कि बहुत शानदार पेपर है। कैसा हो पेपर? सर बहुत अच्छे, कितने क्वेश्चन किए? सर 120 जा रहा है। रिजल्ट के दिन वो 2-3 दिन गायब रहेंगे, फिर मिल जाएंगे 3-4 दिन बाद, क्या हुआ, हो गया प्री में? सर वो शायद फिल करने में कहीं गए, देयर वाज अ प्रॉब्लम इन फिलिंग सर। और वो 4 बार से यही प्रॉब्लम बता रहे हैं। मैंने कहा जब तेरी फीलिंग में प्रॉब्लम है तो फीलिंग ठीक कर ले, आई विल ट्राई सर। एक तो वो लॉबी होती जिसको पता चल जाता है कि यार भैया हम तो वापस जाके अपने पेट्रोल पंप पे बैठेंगे, हमारे लिए नहीं। पर जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग वाकई में सोसाइटी में बड़ी मेहनत करते हैं, वही डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो क्योंकि हर आदमी उनकी तरफ देख रहा होता है, पेरेंट्स देख रहे होते हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। जीतना है तो मस्त रहो, और इतना मस्त रहो कि सामने वाले त्रस्त रहे तुमसे कि कौन सा कुबेर पा गया हो जो मजे में हो। और वो कुबेर है समझदारी, दिखाई नहीं पड़ती पर अगर आ जाए भाई साहब ना तो तबाही मचा देती है। जब तुम कमजोर होते हो तो पूरी दुनिया तुमसे मजा लेती है, हर आदमी तुम्हें एडवाइस करता है ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ये पैर दोनों ऐसे बैठना चाहिए डिसेंट। फिर तुम जब पावर में आते हो तो तुम जैसे बैठते हो लोग कहते कैसे राजा की तरह बैठा हुआ है। तो वो जो तुम्हारी वीकनेस है ना, वही जीवन का सबसे प्यारा समय, जब तुम दुनिया को देखते हो। अभी तुम जाओ किसी के घर, किसी लड़की के घर जाओ, उसके फादर से मैरिज प्रपोजल लेके जाओ, बंद कर दे तुम्हें और मारे भी, यू वांट टू मैरी। और कल जब तुम आईएएस बन जाओगे तो पूरी दुनिया कूद के आ जाएगी तुम्हारे, है ना। तो तुम मेडिटेशन करो बहुत जबरदस्त तरीके से, जब भी ये तुम्हें बेवकूफ बनाए मुस्कुरा दो। जब तुमसे कहे आधे घंटे बाद पढ़ेंगे तो तुम इससे बोलो आज शाम तक पढ़ेंगे 6 घंटे, उसके बाद फिर अगले महीने पढ़ेंगे ही नहीं, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम इसको बनाओ।